जय हिंद। सबसे पहले आप सभी लोगों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, यह हम सभी देशवासियों के लिए बड़ी ही खुशी और बड़े ही गर्व की बात है। खुशी की बात इसलिए कि स्वतंत्रता दिवस तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस साल 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि हमारे देश को आज़ाद हुए अब 75 साल हो चुके हैं। यह हम सभी देशवासियों के लिए खुशी की बात है। हालांकि इस वीडियो में हम लोग इस पर बात नहीं करेंगे कि इस 75 वर्षों ने देश ने क्या पाया, क्या खोया। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, 75 वर्षों में देश ने काफ़ी कुछ पाया है, हालांकि खोया भी बहुत कुछ है, लेकिन उस खोने की अपेक्षा देखें तो देश ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। यह वीडियो बेसिकली राकेश झुनझुनवाला सर के ऊपर है। सभी जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला सर अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है, तो यह वीडियो पूर्ण रूप से उनके ऊपर समर्पित है। हम सभी जानते हैं कि शेयर बाजार के मसीहा यानी कि शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला का निधन 14 अगस्त 2022 को हो गया। तकरीबन 62 साल उन्होंने अपने जीवन के जिए और उस 62 सालों में उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, इस देश के बहुत से लोगों को बहुत कुछ सिखाया, समझाया, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। हम जानते हैं उनके बारे में एक हिस्सा बहुत फेमस है कि राकेश झुनझुनवाला सिर्फ 5,000 रुपये लेकर शेयर बाजार में एंट्री किए थे और उस 5,000 रुपये से उन्होंने 45,000 करोड़ रुपये की संपत्ति अपने 60 वर्षों की उम्र में बनाई। हालांकि रुपया तक हमेशा काम नहीं आता, रुपये के साथ साथ उन्होंने स्वास्थ्य नहीं कमाया। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनके पास तकरीबन 45,000 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति थी। इस साल उनकी अकाशा एयरलाइंस की भी शुरुआत हुई थी। अकाशा एयरलाइंस की पहली फ्लाइट में दिल्ली से अहमदाबाद के बीच सभी कुछ दिन पहले ही उड़ान भरी थी और उस उड़ान के बाद उन्होंने अपना इंटरव्यू भी दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी यह अकाशा एयरलाइंस दूसरे फ्लाइट्स के मुकाबले कैसे बेहतर है, लेकिन कौन जानता था कि उनका यह इंटरव्यू आखिरी इंटरव्यू होगा। राकेश झुनझुनवाला ने अपने जीवन में पैसा बहुत कमाया, लेकिन स्वास्थ्य पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। राकेश झुनझुनवाला डायबिटीज़ के पेशेंट थे, इसके बावजूद वह शराब का सेवन काफ़ी अधिक मात्रा में करते थे। वह कहते थे कि भगवान का दिया हुआ लाइफ है, भगवान ने सब कुछ दिया है, जब वह चाहें छीन लें, हमारे बस में कुछ नहीं है। आसान भाषा में कहें तो अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नहीं रहते थे। उनके घुटनों में दर्द था, जिसके चलते वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते थे। इसी क्रम में इस साल उनका 2 वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जब राकेश झुनझुनवाला से मिलने पहुँचे थे तो राकेश झुनझुनवाला बैठे हुए थे और प्रधानमंत्री मोदी खड़े थे। यह वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। हालांकि इसके बाद राकेश झुनझुनवाला ने सफाई देते हुए कहा था कि चूंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है, ठीक से खड़े नहीं हो पाते, इसलिए वो बैठे हुए थे। दूसरी बात यह भी कही गई कि राकेश झुनझुनवाला जब प्रधानमंत्री से मिले तो उनके शर्ट पर प्रेस नहीं किया हुआ था। इस बात को खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि मैं शर्ट प्रेस किया हुआ पहनूं या बिना प्रेस किया हुआ पहनूं, मैं रहूंगा राकेश झुनझुनवाला ही। एक वीडियो यह भी वायरल हुआ था कि राकेश झुनझुनवाला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से स्लीपर में यानी कि चप्पल में मिलने पहुँच गए थे। तब राकेश झुनझुनवाला ने कहा था कि मैं बेहद सादगीपूर्ण जीवन जीना पसंद करता हूँ। देखिए दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला शुरू से ही बिंदास आदमी थे। वो कहते थे जीवन में रिस्क लेने से कभी मत डरो, लेकिन उतना ही रिस्क लो जितना तुम झेल सकते हो, यानी कि रिस्क ले और अगर पैसा डूब जाए तो आप कोई किसी बड़े तनाव में नहीं आए। राकेश झुनझुनवाला ने बहुत से लोगों को बहुत सी बातें सिखाई। उनके दिए हुए बात का जो कोट है अब भी हमारे बीच मौजूद है, हमें उससे निरंतर सीखते रहने की ज़रूरत है। और अंत में यह भी कहूँगा मैं आपसे कि आप पैसा कमाने के साथ साथ जीवन में स्वास्थ्य भी कमाइए और अपने जीवन में सदैव खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। यही जीवन की सफलता है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।